तो दोस्तों जब भी आप ब्रांड न्यू फ़ोन परचेस करते हो तब तो उसका कैमरा क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छी होती है, तभी तो आपने जो स्मार्टफोन बाय किया होता है। बट कुछ समय या तो कुछ महीने यूज़ करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे यार हमारे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी तो इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी की पहले थी। तो गाइस इसके अंदर कुछ सेटिंग्स रहते हैं, जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 12 प्रो के कैमरा सेटिंग्स, यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोटोग्राफी या तो वीडियोग्राफी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है वहीं पर, तो एक एक कैमरा हम चेक करने वाले प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं और किस चीज़ों में एक एक कैमरा आप जो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अल्ट्रा वाइड कैमरा हो गया, प्राइमरी सेंसर हो गया, पोर्ट्रेट वीडियो हो गया, सिनेमेटिक वीडियो वगैरह, जो भी ऑप्शन है सभी एक एक करके मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे भी हिट्स। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G, और गाइज यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक कैमरा जो वर्क करता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो कैमरा लेंसेज है वो किसी कॉटन कपड़े से जो आप साफ़ कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभार ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट के निशान रह जाते हैं, उसकी वजह से भी कैमरा क्वालिटी क्लियर नहीं आती। फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरास के अंदर आपको काम करना है, और जैसे आप इस फ़ोन का कैमरा ऐप ओपन करते हो जनरली लोग ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक कर देते, नो डाउट ऐसे फ़ोटोज़ अच्छा ही आता है। बट यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करना है, और ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेनी है, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो कम कर लेनी है। ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल कैमरा दिया है तो उसका यूज़ क्या है, जैसे कि 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो यहाँ पे हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट वाला है, यहाँ पे मैं फिंगर रखता हूँ तो ये कैमरा जो बंद हो जाता है। तो ये कैमरा मतलब वर्क कर रहा है, आप भी चाहो तो ऐसे देख सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। फिर यहाँ पे 1x में आ जाते हैं, जो कि प्राइमरी सेंसर है बीच वाला 50 मेगापिक्सल का, वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम फिंगर रखते हैं तो ये कैमरा भी बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का कैमरा चिपका दिया है। फिर यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर जो 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है वो फर्स्ट वाला कैमरा है, तो यहाँ पर हम फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैमरा भी वर्क नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना तीनों कैमराज ऑन है या नहीं वो चेक कर सकते हो, और इसका यूजिंग भी कुछ इस तरीके से है। ओके, अब बात करते हैं कैमरा फीचर्स की, तो बात कर लेते हैं फोटोग्राफी की। तो यहाँ पे आपको 20x जूमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट ज़्यादा जूम करने से पिक्सल्स फट जाते हैं और फोटोज़ इतना भी क्लियर नहीं आता है। तो मैक्सिमम आप जो 5x तक जूम करो और फोटोज़ क्लिक करो तो आपका पिक्सल्स फटेगा ना कि फोटोज़ भी क्लियर आएगा। यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना है तो फिल्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर्स आप जो लगा सकते हो। तो गाइज यहाँ से फ़िल्टर आप जो लगा सकते हो, और यहाँ पे आपको फेस ब्यूटी वगैरह करना है तो यहाँ पे आप इसको 100% कर लो तो फेस ब्यूटी वगैरह यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेटिंग दिए गए, जैसे कि फुल स्क्रीन में है आप चाहो तो 19:6 रख सकते हो, 4:3 रखना चाहो तो भी रख सकते हो। अगर आपको ग्रुप फोटोज़ वगैरह लेना है तो यहाँ पे आप 10 सेकेंड्स तक जो टाइमर भी लगा सकते हो। हाई डायनामिक रेंज यानी कि HDR ये आपको ऑटो पे ही रखना है। और गाइज यहाँ पे आपको और एक ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि लाइव फ़ोटो आईफोन के अंदर होता है वैसा सेम लाइव फ़ोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप फ्लैश लाइट चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो और ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो। फिलहाल इसकी मुझे कोई नीड नहीं, हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ये बात हो गई फ़ोटो की, और सेल्फी कैमरे के बारे में भी आगे बात करने वाला हूँ। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आप गाइज जो मैक्सिमम 2x तक जूम कर सकते हो, 1x में भी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई भी फुल स्क्रीन का ऑप्शंस नहीं मिलता है, इतनी साइज़ में ही फ़ोटोज़ क्लिक होता है। और बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर करना है पीछे का बैकग्राउंड तो यहाँ पे F पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो 1.4 रख सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा खासा ब्लर देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अलग अलग फ़िल्टर दिए गए, ये मेरा पर्सनली फेवरेट रहा है, ये वाला फ़िल्टर्स आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, पोके फ्लेयर पोर्ट्रेट यानी कि बबल्स टाइप बैकग्राउंड के अंदर जो ब्लरिंग देखने को मिल जाता है वैसा फ़िल्टर है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से जो आपको पसंद है वो यूज़ कीजिए, बट ये वाला एक बार ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और फोटोज़ क्लिक कीजिएगा। और कमेंट्स करो यार, कमेंट्स में कुछ भी लिखो, बिकॉज कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं हमारे वीडियो पे, और मैं ऑनेस्टली आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
आपको 4K में वीडियो शूट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 4K 30 FPS तक आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60 FPS जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 720p 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे आप 0.6 पे टैप कीजिए तो ये जो लास्ट वाला कैमरा है वो ऑन हो जाता है। वीडियोग्राफी के अंदर भी यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो ऐसे अल्ट्रा वाइड वीडियो आप शूट कर सकते हो। और गाइस मैक्सिमम यहाँ पे आपको 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीडियोग्राफी के अंदर भी 10x जूम करके बड़े आराम से वीडियोस इस फोन से शूट कर सकते हो। वीडियोस के अंदर भी आपको काफ़ी अलग अलग फिल्टर मिलते हैं, जैसे कि रेड, तो जो रेड कलर होगा वहीं पे ही फोकस होगा ग्रीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन एरिया है वहीं पे ही फोकस करेगा, और ब्लू, तो जो ब्लू एरिया है वहीं पे ही ये फोकस करेगा। ऐसे अलग अलग फिल्टर्स अवेलेबल है, आपको इनमें से जो फिल्टर्स जो भी पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ओरिजिनल भी रख सकते हो। और गाइज आपको पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना है या तो सिनेमैटिक वीडियो, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि वीडियोग्राफी के अंदर आपको एक ऐप का ऑप्शंस मिलता होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कितना ब्लर रखना है वो एडजस्ट कर लेना है, फिर आप वीडियो शूट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इसको शूट कर सकते हो 1080p 30 FPS तक। और गाइज आपका वीडियो ऐसा शेक बेक हो रहा है यानी कि आप भागते फिरते वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना है, अल्ट्रा स्टेडी मोड स्विच 1080p 60 FPS। तो आपका मतलब कैमरा इतना भी मतलब हाथ शेक वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे स्टेबल वीडियो आएगा इसको इनेबल करने से। यहाँ से फ्लैश लाइट वगैरह जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और रही बात प्रो की, तो यहाँ पे आप प्रो में भी ये मैन्युअली शटर बटन, ईवी, ऑटो फोकस वगैरह एडजस्ट करके फोटोग्राफी कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं मोर सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको नाइट मोड का ऑप्शंस मिलता है और स्पेशली नाइट के लिए कस्टमाइज़ किए गए हुए फिल्टर्स भी यहाँ पे ओप्पो ने दिए हुए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्राइपोड मोड भी दिया है, ट्राइपोड मोड ऑन करके भी नाइट में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो तो आपका फ़ोटो प्रॉपर तरीके से नाइट में क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पे हाई रेज यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वहीं से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है वहीं से फ़ोटोज़ क्लिक होता है और इसकी डिटेल्स वगैरह बहुत हद तक अच्छी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहे कितना भी जूम कर लो यहाँ पे पिक्सल्स क्वालिटी जो फटती नहीं है और क्लियर कट यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देता है। और गाइज यहाँ पे भी आपको जो 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है वहीं से आप फोटोज़ क्लिक करते हो तो। और यहाँ पे आपको पैनो का ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि आपको ये पूरा एरिया ज़्यादा कैप्चर करना है तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से 360 डिग्री में फ़ोन को रोटेट कीजिए और आपका फ़ोटोज़ कुछ इस तरीके से पूरा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी चेयर है, यहाँ पे कीबोर्ड स्टैंड है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह है, तो ऐसे पूरा फ़ोटोज़ आप जो पैनो में ले सकते हो। फिर यहाँ पे ड्यूअल व्यू वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कैमरास एक साथ ऑन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे भी 10x जूम का सपोर्ट मिलता है रियर कैमरे में, और यहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन में फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि सर्कल, इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो ड्यूअल वीडियो बनाते टाइम। और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शंस भी मिलता है जो कि आप इसको भी कहीं पे भी स्विच कर सकते हो बड़े आराम से। ड्यूअल व्यू वीडियो कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह चाहिए तो भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टिकर, चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनर वगैरह दिया गया हुआ है जो कि आप चाहो तो एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन एग्री वगैरह करके इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अलाउ करने पड़ेगी, सारी चीज़ें डाउनलोड होता रहेगा, ये प्लगइन वगैरह डाउनलोड होता है, फिर जाके ये जो ओपन होता है जिनको काम है वो आप यूज़ में ले सकते हो। फिलहाल मुझे इसका कोई काम नहीं है। और गाइस अब बारी आती है सेल्फ़ी कैमरे की, तो शुरुआत करते हैं फ़ोटो से सेल्फ़ी कैमरे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो का ऑप्शंस मिलता है सेल्फ़ी कैमरे में, और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में फ़ोटोज़ क्लिक करना है तो भी कर सकते हो, टाइमर लगना है तो लगा सकते हो, यहाँ पे ऑटो HDR भी है। और यहाँ पे भी आपको 0.8x का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि आप ग्रुप फोटोज़ वगैरह ऐसे क्लिक करते हो तो उसमें यूज़फुल हो सकता है। और यहाँ पे फिल्टर भी चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहीं से फ़ोटोज़ ब्राइट हो जाता है आपका। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हुए हैं। फेस ब्यूटी वगैरह यहाँ पे आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नेचुरल का भी ऑप्शंस अवेलेबल है।
और यहाँ पे भी आपको जो मैक्सिमम 2x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि सेल्फी कैमरे में भी आप 2x जूम कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं, फ्लैश लाइट तो नहीं है बट चाहो तो ऑलवेज ऑन रख के कुछ इस तरीके से अंधेरे में भी फ़ोटोज़ क्लिक किया जा सकता है। बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की, तो यहाँ पे भी आपको 0.8 का पोर्ट्रेट फ़ोटो मिलता है। और यहाँ पे ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, जो कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो जो बैकग्राउंड ब्लर है गाइज वो डेफिनेटली बहुत ही सही है, जैसे कि बबल्स टाइप आपको दिखता होगा यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बुके फ्लेयर करके जो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ दिया है ओप्पो का, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, तो ये वाला आपको यूज़ करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे फिल्टर्स अवेलेबल है बट ये मेरा पर्सनली फेवरेट रहा है। और गाइज बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ पे आप वीडियो 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो सेल्फी कैमरे से, तो यहाँ पे 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरे से, एंड 1080p 60fps पे भी वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। और आपको सिनेमेटिक वीडियो चाहिए या तो पोर्ट्रेट वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे ऐप का ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और 1.0 पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और परफेक्टली पीछे की यानी कि सारी चीज़ें जो ब्लर हो रही है। और यहाँ पे आपको 2x जूम का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि है गाइज वेलकम टू माय चैनल, ऐसा व्लॉग वीडियो भी आप जो कर सकते हो। और गाइज आपको लगता है कि आप वीडियोस बना रहे हो और फ़ोन शेक वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है अल्ट्रा स्टेडी मोड, तो आपका फ़ोन आप ऐसे चलते फिरते वीडियो बनाते हो तो स्टेबल वीडियो आएंगे। और यहाँ पे प्रो का ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि सेल्फी कैमरे में काम नहीं करता है। और पोर्ट्रेट भी मैंने आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे ड्यूअल व्यू वीडियो, स्लो मोशन सेल्फी कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। टाइम लैम्प वीडियो सेल्फी कैमरे में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इतना कुछ यूज़ मुझे नहीं लगता है। और गाइस ड्यूअल व्यू वीडियो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और फ्रेंड्स आपको लगता है कि कैमरा सेटिंग्स ऐसे वैसे हो चुके हैं या तो ख़राब हो चुका है कैमरा क्वालिटी, तो आपको करना क्या है कि सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, वाटरमार्क आप चाहते हो तो लगा सकते हो, यहाँ पे इनेबल कर देना है, तो कुछ इस तरीके से वाटरमार्क आ जाएगा। जनरल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वाटरमार्क टू, यहाँ पे आपको फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों में चाहिए तो दोनों में कर सकते हो, लोकेशन चाहिए तो डेट एंड टाइम चाहिए तो भी कर सकते हो, कस्टम टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे आप चाहो वो नाम लिख सकते हो अपने फ़ोटोज़ के अंदर। जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे हमारी चैनल का ही नाम लिख देते हैं राधे बीट्स। और यहाँ पे फॉन्ट साइज मीडियम स्मॉल लार्जर जितनी रखनी रख सकते हो, बॉटम पे चाहिए टॉप राइट बॉटम राइट सेंटर बॉटम लेफ्ट टॉप लेफ्ट व्हाटएवर, जो भी आपको पोजीशन रखनी है वाटरमार्क की वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। इवन बैक आते हो तो यहाँ पे आपको मिरर सेल्फी का क्या ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि आप सेल्फी से फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो वीडियोज़ वगैरह तो टेक्स्ट उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, उस केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे शटर साउंड चाहो तो इनेबल कर सकते हो। और शूटिंग मेथड यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि आप फेस दिखाओ और फिंगर फाइव फिंगर दिखाओ और फोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाए, शो प्लैम यानी कि क्लैपिंग वगैरह करो और फोटोज़ क्लिक हो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये ऑडियो मोड्स जैसे कि फोकस लॉक है, हाई फ्रिक्वेंसी वीडियोज़ हो गया, ये सारे सेटिंग्स आप चाहो तो कुछ इस तरीके से ये वीडियोज़ देख के सेम अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो। बट आपको लगता है कि हमने ऐसे वैसे सेटिंग्स कर दिए, तो रिसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, कैमरे के सारे सेटिंग्स रिसेट हो जाएंगे। जैसे आपने नया फ़ोन परचेस किया था और जितने सेटिंग्स थे इसके अंदर, इतने ही सेटिंग्स यहाँ पे रहेंगे और प्रॉपरली आपका कैमरा जो वर्क करने लगेगा। यानी कि सेटिंग्स कैमरे के कुछ ऐसे वैसे हो चुके, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके लास्ट में रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर सकते हो। तो गाइज़ आपको जो फीचर्स चाहिए थे वो लगभग मैंने यहाँ पे कवर कर ही दिए हैं, बट आपको लगता है कि कुछ ऐसे फीचर्स जो मैंने मिस किए इस वीडियो में, तो मेरा अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है, वहीं पे आप ओनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ऑनेस्टली मैं यहीं पे आंसर करूँगा। तो इफ यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।